इस वीडियो में हम बात करेंगे पंचवर्षीय योजनाओं के लक्ष्यों की, ठीक है। जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि बिजली के जो तार हैं वो सारे गांवों तक पहुंच जाएं, सिंचाई का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है मतलब जहां जहां से सिंचाई की जा सकती है जिन माध्यमों से भी उनका विस्तार हो, ये सारी बातें उद्देश्य हैं। लेकिन ये टेंजिबल उद्देश्य हैं, मतलब टेंजिबल का मतलब समझते हैं जिसको आप छू सकते हैं। तो कोई नहर बनेगी वो आपको दिखेगी, आप उसको छू पाएंगे। लेकिन एक होता है कॉन्सेप्चुअल लेवल पर। कॉन्सेप्चुअल लेवल पर मतलब क्या होता है, अवधारणा के स्तर पर। तो उसमें चार प्रमुख उद्देश्य रहे हमेशा, कौन कौन से। पहले को हम लोग बोलते हैं समृद्धि। क्या बोलते हैं? समृद्धि। ये आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अगर नहीं दिख रहा है तो मैं इसी को इंग्लिश में लिख दूंगा। अभी ये ग्रीन है, पहली बार मैं यूज कर रहा हूँ, तो समृद्धि है। अच्छा, मैं दूसरे से ही लिख देता हूँ आपके लिए। समृद्धि को हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में ग्रोथ। क्या बोलते हैं? ग्रोथ, है ना। दूसरा होता है आधुनिकीकरण। क्या होता है? आधुनिकीकरण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मॉडर्नाइजेशन। क्या बोलते हैं? और क्या हुआ उसके बाद से? एक होता है कि जो भी हमारा देश है उसमें समानता बढ़े, ठीक है, और समानता के साथ साथ आत्मनिर्भरता भी बहुत इंपॉर्टेंट हमारा उद्देश्य रहा है। देखिए, तो ये चार उद्देश्य हो गए। समृद्धि मतलब ग्रोथ, आधुनिकीकरण मतलब मॉडर्नाइजेशन, फिर सेल्फ रिलायंस मतलब आत्मनिर्भरता, और समानता मतलब इक्वालिटी, ठीक है। तो ये चार जो हमारे उद्देश्य हैं, ये चारों के चारों उद्देश्यों को ऐसा नहीं हुआ कि हमेशा ही बराबर इंपॉर्टेंस दी जाए। क्या नहीं हुआ? कि इन सारे को हमेशा ही बराबर इंपॉर्टेंस दी जाए। किसमें? पंचवर्षीय योजनाओं में। पंचवर्षीय योजनाओं के आमतौर पर ये सारे उद्देश्य हैं। हो सकता है कभी ग्रोथ को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाए, कभी हो सकता है आधुनिकीकरण को ज्यादा महत्व दिया जाए, कभी आत्मनिर्भरता को और कभी समानता को। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि ये है क्या उद्देश्य। तो के नाम सुन लिया, लेकिन नाम का अर्थ क्या है? देखो, ग्रोथ क्या होती है? ग्रोथ होती है कि कोई भी अर्थव्यवस्था है उसमें बहुत सारी वस्तुएं और सेवाओं का निर्माण हो रहा है। हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं। और उन सेवाओं और उन वस्तुओं के निर्माण में अगर वृद्धि होती जाए, क्या हो? वृद्धि होती जाए। जैसे मान लीजिए दो लोग हैं, दो भाई बहन है, घर में रहते हैं, ठीक। दोनों के लिए क्या आ गई? एक साइकिल आ गई। क्या आ गई? एक साइकिल आ गई, ठीक। ये आपकी एक साइकिल आ गई। तो अब दोनों में झगड़ा होगा, बोलेगा कि मुझे चलानी है, फिर ये बोलेगा कि मुझे चलानी है। तो क्या हो जाएगा कि एक ही साइकिल है, थोड़ी देर के लिए ये बच्चे चलाएंगे और ये बच्चे चलाएंगे, और आपस में लड़ाई भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों का चलाने का मन है लेकिन दोनों को मिल नहीं रही। ऐसी की जगह अगर मान लीजिए कि दो साइकिल आ जाती और एक एक साइकिल दोनों को दे दी गई होती, तो लड़ाई झगड़ा भी नहीं होता और दोनों को एक एक मिल गई होती। तो अगर वस्तुएं ज्यादा हैं, क्या है? अगर वस्तुएं ज्यादा हैं तो जिन जिन को उसका उपभोग करना है उसमें ऑन एन एवरेज औसतन हर इंसान को ज्यादा वस्तुएं मिलने लग जाती हैं। तो अगर हर इंसान को ज्यादा वस्तुएं मिलने लग जाती हैं और अपना जीवन यापन करने के लिए, अपने जीवन का एक स्तर बनाए रखने के लिए हमें कुछ कुछ वस्तुओं की आवश्यकता होती है, ठीक। अगर वो वस्तुएं हमें नहीं मिलती हैं तो फिर हमें काफी दिक्कत होना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि हम लोग एक तरह के जीवन स्तर के अभ्यस्त हो जाते हैं। और आमतौर पर यह देखा गया है कि अगर आपके माँ बाप जिस तरह की आर्थिक स्थिति में रह रहे थे और अगर आपकी स्थिति उससे खराब हो जाती है तो फिर आपका जीवन बहुत कष्टकारी हो जाता है। यह आमतौर पर देखा गया, एक अलग रिसर्च है कि अगर हमारे पेरेंट्स वो जिस तरह का जीवन यापन कर रहे थे उससे अच्छा किस सेंस में? वस्तुओं के और सेवाओं के उपभोग के सेंस में। अगर मेरे पास उनसे बड़ा घर है, अगर मेरे पास उनसे ज्यादा अच्छी गाड़ी है, अगर मेरे पास उनसे ज्यादा कपड़े हैं, इन सारी चीजों से भी देखा गया है कि अगर मैं ज्यादा कर ले रहा हूं तो मुझे दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर मैं अपने माँ बाप से भी कम कर पा रहा हूं तो फिर मुझे काफी खराब लगता है। मुझे लगता है कि मेरा पास्ट बहुत अच्छा था और मेरा अभी वर्तमान या फ्यूचर और भी ज्यादा खराब होने वाला है, ठीक। तो यहां से क्या बात निकल के आई? बात निकल के आई कि जो वस्तुएं हैं हमारे पास, उन वस्तुओं को अगर हम आम तौर पर पूरे देश के स्तर पर बढ़ा दें, क्या कर दें? पूरे देश के स्तर पर बढ़ा दें वस्तुओं को और सेवाओं को, तो आम तौर पर जो लोग भी उस देश में रह रहे हैं उनको ज्यादा वस्तुएं मिलने लग जाती हैं। इसमें एक उदाहरण है, एक इंग्लिश कॉमेडी सीरीज है, उसको हम लोग बोलते हैं सिटकॉम। क्या बोलते हैं? सिटकॉम, ठीक है। सिट का मतलब क्या होता है? सिचुएशनल। सिचुएशनल मतलब स्थिति पर निर्भर करता है, ठीक है। और कॉम का मतलब होता है कॉमेडी। कॉमेडी तो समझते ही हैं आप लोग, कॉमेडी मूवीज होती है हमारे यहाँ। तो ये एक इस तरह का नाटक आता है जिसमें खूब हंसी मजाक चलती है। तो ये बहुत ज्यादा फेमस हुआ था, पूरे अमेरिका का ही है वैसे तो। इसका नाम है फ्रेंड्स, दोस्त, ठीक है। दोस्तों के ऊपर एक सीरीज चलती थी। अब इस सीरीज में जो लोग भी काम करने वाले लोग होते थे वो ऐसा नहीं था, उसमें एक कुछ कैरेक्टर्स जो कुछ अच्छा काम कर रहे होते थे, बाकी कोई एक वेट्रेस होती है, बहुत बड़ा काम नहीं करते थे। लेकिन उनका जो घर दिखाया जाता था और उस घर में जो संसाधन रहते थे, तो ऐसा लगता था कि यार इनके पास तो बहुत कुछ सामान भरा पड़ा हुआ है। और हमारे यहाँ पर क्या होता है कि आमतौर पर वही कामकाज करने वाले जो लोग हैं
जैसे कोई हमारे यहाँ पर किसी होटल में कोई वेट्रेस है या फिर कोई किसी और तरह का काम कर रहा है, तो आमतौर पर भारत में मान लो एक क्लर्क है और अमेरिका में एक क्लर्क है, तो अमेरिका में जो क्लर्क है उसकी सैलरी भी ज्यादा है और वो ज्यादा चीजें अपने घर में ला सकता है। क्यों? क्योंकि उसके पास संसाधन ज्यादा मिल जाते हैं उसको, जबकि वही काम भारत में अगर कोई कर रहा है तो उसको उतना कुछ नहीं मिल रहा। तो ये क्यों हो रहा है? इसका एक कारण ये भी है कि आमतौर पर पूरे अर्थव्यवस्था के स्तर पर, पूरे देश के स्तर पर जो वस्तुएं और सेवाएं कहां पर अमेरिका में बनाई जा रही है वो ज्यादा है, तो फिर वो चीजें ज्यादा हो गई, लोग उतने ही हैं, तो आप ज्यादा ज्यादा चीजें लोगों में बांटोगे, और भारत में क्या हो रहा है कि चीजें उतनी बन ही नहीं पाई। इसलिए समृद्धि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या होता है, उद्देश्य होता है किसका, पंचवर्षीय योजनाओं का। अब समृद्धि को इस तरह से समझ लीजिए, ऐसे भी बोला जाता है इकोनॉमिक्स में कि समृद्धि को आप क्या मान लो, एक बिस्किट मान लो, एक पाई मान लो, या एक केक मान लो। मान लो ये है, ठीक, इसको खाने वाले कितने भी लोग हैं, मान लो 10 लोग हैं, 10 लोगों को थोड़ा बड़ा टुकड़ा मिलेगा, बराबर बराबर से काट देंगे। मेरी माता जी हैं तो उनका कहना रहा करता था कि सबको एकदम बराबर बराबर बांट करके दो, हमेशा ही कोई भी चीज़ है सबको बराबर बराबर बांटो। तो वो 10 लोगों में बराबर बराबर बहुत मेहनत करेंगी, है ना, ऐसा नहीं कि जल्दी जल्दी काट के दे दें, मेहनत करेंगे कि हाँ सबको लगभग बराबर जा रहा है जिससे कोई कोई झगड़ा ना हो। तो उन्होंने 10 लोगों को बराबर बराबर बांट करके दे दिया। लेकिन मान लीजिए कि यही केक अगर बड़ा हो जाता, क्या हो जाता, बड़ा हो जाता और हमने बराबर बराबर बांटा होता तो हर एक को ज्यादा ज्यादा मिलता, है ना। अब इस केक के बढ़ने को ही आप जीडीपी क्या मैंने बोल दिया, को आप समृद्धि मान लीजिए। जीडीपी का मतलब क्या होता है? जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब अलग तरह के मापक आ गए, तो ये एक ऐसी चीज है जिससे हम नापते हैं कि पूरे देश में जो जो वस्तुओं का निर्माण हुआ और जिन जिन संसाधनों का निर्माण हुआ उनकी रुपए के टर्म्स में क्या वैल्यू है, मतलब क्या हुआ। जैसे समझ लीजिए इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और जो हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स आता है, जो हमारा समष्टि अर्थशास्त्र आता है, उसमें ये बहुत ज्यादा काम में आने वाला है। इसको हिंदी में बोलते हैं सकल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद। देखो हमारे देश का जो भी नक्शा है, ठीक है, मैं नक्शा अच्छा बना नहीं पाता, मान लीजिए कि हमारा ये ऐसा करके ये भारत देश का नक्शा है, ठीक। अब इस नक्शे में ये भारत की बाउंड्री के अंदर जो कुछ भी बन रहा है भारत में, कोई पेन बना रहा है, कोई कूलर बना रहा है, कोई एसी बना रहा है, कोई टीचर पढ़ा रहा है, तो सेवाएं भी हैं, कोई बैंक चल रही है वो भी हो रहा है, कोई नाच रहा है, कोई मूवी बना रहा है, ठीक। जितने भी चीजें ऐसी हो रही हैं जिनका कोई लेन देन हो रहा है, जिनमें कोई पैसा दिया जा रहा है, तो उन सारी चीजों को जिसके बदले जितना पैसा दिया जा रहा है उन सारे को पैसे में जोड़ दो। जैसे मैंने क्या बनाया, मैंने ये डस्टर बनाया और मैं डस्टर बोल रहा हूँ कि 20 रुपए का है, ठीक। अब ये डस्टर मैं ये नहीं लिखूंगा कि डस्टर बनाया, मैं इसके 20 रुपए जोड़ूंगा। तो ऐसे हर चीज के आप पैसे जोड़ते चले जाओ कि ये कितने रुपए की, ये कितने रुपए की, ये कितने रुपए की, सारे आपने पैसे जोड़ते किसके, जो कुछ भी बना है कहां पर, देश की सीमा के अंदर, बाउंड्री के अंदर, उसको हम लोग क्या बोल लेते हैं, सकल मतलब सब कुछ जो कुछ भी बना हुआ है, घरेलू मतलब घर हमारा यहाँ पर पूरा देश है, ठीक है। घर मतलब घरेलू का मतलब ये नहीं कि हमारे घर में, हमारे पूरे देश में, यहाँ पर हमारा पूरा जो देश है वो हमारा घर है। और उत्पाद मतलब जो कुछ भी बना है, उत्पाद में क्या जाते हैं, वस्तुएं और सेवाएं दोनों आ जाते हैं। और ये हम लोग एक साल में देखते हैं कि एक साल में क्या हुआ, तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, इसको हम लोग बोल देते हैं जीडीपी। और एक तरह से जो जीडीपी है ना वो इस चीज का मापक है, क्या है, इस चीज का मापक है कि देश में कितनी वस्तुएं बन रही हैं और कितनी क्या सेवाएं बन रही हैं। और अगर जीडीपी बढ़ता जाए इसका मतलब क्या हो रहा है कि देश में जितनी भी वस्तुएं बन रही हैं और जितनी भी सेवाएं बन रही हैं उनकी वैल्यू बढ़ती चली जा रही है, ठीक। और इसका मतलब क्या हुआ कि वहां पर कोई ग्रोथ होगी, और ग्रोथ को हिंदी में क्या बोलते हैं, समृद्धि। तो समृद्धि का आपको मतलब समझ में आया, समृद्धि हम तब बोलते हैं जब हमारे देश में या किसी भी अर्थव्यवस्था में, अगर अपने देश की बात करेंगे तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था में आमतौर पर बनने वाली जितनी भी सेवाएं हैं, जितनी भी वस्तुएं हैं, उन सब की रुपए के टर्म्स में जो वैल्यू है उसको मिला दें और वो बढ़ती जाए तो हम क्या बोलते हैं कि जीडीपी में ग्रोथ हो रही है। और इस समय पर लॉकडाउन चल रहा है, क्या चल रहा है, लॉकडाउन। लॉकडाउन मतलब देश बंद है, बहुत सारे कारखाने और ये सब नहीं खुल रहे हैं, तो इस वजह से कोई क्रियाकलाप जो भी थे, आर्थिक गतिविधियां, वो रुक गई हैं, और इस वजह से जीडीपी जो है वो इस समय की अगर आप जीडीपी निकालोगे तो निगेटिव ग्रोथ भी हो जाएगी, हो सकता है कि घट गई हो, जिसकी बहुत ज्यादा उम्मीद है इस समय के लिए 1.5-2 महीने की, तो पूरे देश की जो जीडीपी ग्रोथ थी उस पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। अपनी क्लास का उद्देश्य आप सभी के लिए आप ही की भाषा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है। कक्षा 12 तक के सभी प्रमुख विषयों पर हम वीडियोस बना रहे हैं
और कुछ विषयों पर वीडियोस आपके अपने चैनल अपनी क्लास की ही अन्य प्लेलिस्ट पर अपलोड भी हो चुके हैं। ज्ञान के प्रकाश से देश को सशक्त बनाने के हमारे इस प्रयास में इस चैनल को सब्सक्राइब करके और लोगों के साथ शेयर करके अपना बहुमूल्य योगदान जरूर दें। बढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया।